उसको फर्स्ट सिलेबस मिल गया ना, तो उसमें एक चैप्टर है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसकी रिवीजन हमने अभी कंप्लीट की है ना। उसमें अदरवाइज इक्वेशंस सारी आपकी हो गई थी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उस ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है O2 क्या होता है, ऑक्सीजन। व्हेन इट इज अटैक्ड बाय यूवी रेज ऑफ द सन, यूवी रेज पता है हम सबने पढ़ा हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज पढ़ी है ना। तो अल्ट्रावायलेट रेज अदरवाइज दे आर नॉट वेरी मच नेसेसरी फॉर अस, रादर दे आर हार्मफुल फॉर अस, है ना। क्या नुकसान है इनके, दे कैन बर्न अवर स्किन। तो उस यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने पे कौन रोकती है, ओजोन लेयर। दिस ओजोन लेयर इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन ओनली, ये ऑक्सीजन से ही बनती है। बच्चे लाइट ऑन करते पीछे से। और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, बुक में दिया हुआ है O3 इज द फॉर्मूला फॉर ओजोन, और ये एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है उसमें रीड आउट कर ले, ठीक है। प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी। नाउ यू हैव टू मेक दी रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ आपको वे बताऊंगी, बनाओगे आप सब, और मैंने आप सबकी कॉपीज पे देखने हैं। आई विल जस्ट टेल आउट द रेज फर्स्टली। तो ये चीज ध्यान रखो, रे डायग्राम्स क्योंकि हमने सिर्फ मिरर्स के लिए किए हैं, तो स्फेरिकल मिरर्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। वी हैव टू पॉलिश द सरफेस। इफ आई विल पॉलिश द आउटर सरफेस, ये बाहर वाली सरफेस को मैं पॉलिश करती हूँ, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ये होता है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है। रे डायग्राम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रे डायग्राम हमें बताते हैं कि जो लाइट है वो कैसे मूव करती है, मूवमेंट ऑफ लाइट बताते हैं, ठीक है। सबसे सेंटर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट जहां पे आपकी ये लाइन मीट करती है आपके मिरर से, दिस इज कॉल्ड एज पोल। नॉर्मली वी विल रिप्रेजेंट इट पी, ठीक है। और ये वाला जो स्फेरिकल मिरर है ये एक सर्कल का पार्ट है, जिस सर्कल का ये पार्ट है उस सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एग्जैक्टली बिटवीन द पी एंड सी देयर इज अनदर पॉइंट कॉल्ड एज फोकस, और ये लाइन जो होती है इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बेटे एक्चुअली इसमें से जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होती, मिरर के आगे कहीं लगी नहीं होती, हम ये सिर्फ मान के चलते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सिमिलरली फोकस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट होता है लेकिन इसको हम एज्यूम करके मेंशन करते हैं, राइट। रूल्स क्या है, फर्स्ट रूल है इफ अ लाइट इज इंसिडेंटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई विल यूज शॉर्टकट्स बच्चे क्योंकि आप सबने रूल्स लिखे हुए हैं। एफ और सी में बेटे आप यहां पे जितना भी गैप दोगे ना उसका मिड पॉइंट एफ होगा, पी और सी का जो भी गैप है उसका मिड पॉइंट एफ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग करो, अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द फोकस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस, फोकस में से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है जी। सेकेंड रूल बिल्कुल इसी का उल्टा, इफ अ रे इज इंसिडेंटेड बाय पासिंग थ्रू फोकस, बाय पासिंग थ्रू फोकस हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक,
बिल्कुल ठीक है, इट विल बी रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ इफ अ रे पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मींस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पॉइंट. ठीक है, इफ अ रे इंसिडेंटेड, इफ अ रे इंसिडेंटेड इंसिडेंट, इफ एन इंसिडेंट रे passes from C, passes from C, it reflects back at same path. At same path. Normally हम इसको retraces the path कह देते हैं कि अपने path पे वापस जाएगी. ये तीन आपके पास lines हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटे? ऑब्जेक्ट से आपने इंसिडेंट रेज शुरू करनी है. जहां पे आके आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहीं पे आपकी इमेज होगी. कोई भी डायग्राम आपको आ जाए, डेफिनेट है, एक आधा तो डेफिनेटली पेपर में आएगा. आपने निकालना क्या है? आपने इमेज के बारे में दो तीन चीजें बतानी है. ऑब्जेक्ट आपको गिवन होगा, यू शुड बी गिवन ऑब्जेक्ट की पोजिशन आपको पता होगी. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजिशन आपको गिवन होगी, इमेज के बारे में आपने क्या क्या निकालना है. फर्स्ट तो इमेज का साइज क्या होगा, ये सब आप खुद ड्रॉ करोगे और अभी कैलकुलेट करोगे. उसकी पोजीशन क्या होगी, कहां पे आपकी इमेज बन रही है. थर्डली आपने बताना है उसकी नेचर. नेचर मींस वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, या रियल एंड इनवर्टेड है. नाउ ड्रॉ रे डायग्राम इन विच योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. वी विल स्टार्ट बियॉन्ड सी. बियॉन्ड का मतलब पता है ना, सी के पीछे. जब भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, काइंडली मेंशन इट विद ओ ए. ओ ए या ए बी, जो मर्जी इसको मेंशन करो. ओ ए इज अ ऑब्जेक्ट. आप इसके पैरेलल दो रेज ड्रॉ करो एंड काइंडली बस यही क्या करे. बेस्ट है कि एक इंसिडेंटेड रे पेंसिल बना लो, एक पेंसिल से बना लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सात्विक, शो मी योर नोटबुक. जस्ट वन मिनट बच्चे, इसके आगे बनाओ भी, इसके आगे बनाओ. इसके अकॉर्डिंग कोई भी दो रेज बनाओ. ए से स्टार्ट करके कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो और उनको वापस लेके आओ. सात्विक,
जसलीन, हरियप हरियप, मनराज, लक्ष्य, बी क्विक चिल्ड्रन, हाँ जी बच्चे प्लीज देखो व्हाट आर दी कॉमन मिस्टेक्स। देखो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, ये आपने आगे भी करना है, जब भी आपने रे डायग्राम बनाना है कीप इट इन माइंड, आपने पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, दो चीजें आपने ड्रॉ करनी है। आफ्टर मार्किंग पीएफसी आपको ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन गिवन है वहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखे, और ऑब्जेक्ट को प्लीज नेम दो, जैसे मैंने ओ ए दिया, आप ए बी सी जो मर्जी दे सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब ऑब्जेक्ट की रेज जो है बेटे वो हमेशा ए पॉइंट से आपने इंसिडेंट करवाना है, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, जो एरो है आपका। देयर आर थ्री रेज, आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। लेट मी से मैं पहले फर्स्ट और सेकंड करती हूँ, बाद में कोई और ले लेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, इफ द रे इज इंसिडेंटेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये रे बिल्कुल पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, काइंडली यूज द स्केल। अगर आप स्केल यूज करोगे आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगा बच्चे, ठीक है। और व्हाट आई हैव नोटिस्ड, कुछ बच्चे इसको यहीं से टर्न बैक कर रहे हैं। नहीं, लाइट कभी भी हवा में अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, वो एक मीडियम में चल रही है, एयर में चल रही है, तो वो पूरी एंड तक जाके मिरर से स्ट्राइक करेगी। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद इसकी रिफ्लेक्शन कैसे होनी चाहिए, बैक थ्रू द फोकस, सो इट इज कमिंग बैक थ्रू द फोकस लाइक दिस, जहां मर्जी जाए यूज योर स्केल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड रे, सेकंड रे कौन सी है, इफ अ इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द फोकस, रे कहां से इंसिडेंट होनी है, ए पॉइंट से, इसको कहां से पास करना चाहिए, फोकस पे से, ठीक है। रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, ये आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मीट करी, प्रिंसिपल एक्सिस पे ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी इमेज की पोजीशन। हमने इमेज के बारे में क्या क्या लिखना है, व्हाट इज द साइज, इक्वल है, शॉर्ट है, इट इज क्वाइट स्मॉलर, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है, बट देयर इज अ कंपैरिजन, इट इज स्मॉलर। आप अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करो, जब आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करोगे तो बहुत ही स्मॉल आएगा, ये देखो ये भी लाइन, ठीक है। पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में आ रही है, नेम की जगह यहाँ पे नीचे कर लो, बिटवीन एफ एंड सी, क्लियर। नेचर कैसी है आपकी, रियल वर्ल्ड में बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, हाँ जी हो गया, सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैम ये इसमें तो बन गया, अगर हमने सी में से पास करनी होगी, मतलब कर्वेचर में से पास करेंगे तो भी सेम बनेगी, लेट्स ट्राई, एक रहने देते हैं, कोई भी एक रहने देते हैं, लेट मी सी, येलो वाली मैंने रहने दी, ये रेस कर देती हूँ, देखो चॉइस आपकी है, आप दोनों में से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इसको सी में से पास करती हूँ, ये सी में से जाके यहाँ पे स्ट्राइक की, अगर कोई भी रे सी में से स्ट्राइक होके जाती है तो वो कैसे वापस जाती है, रिफ्लेक्ट बैक एज इट इज, मतलब यही ऐसे वापस हो जाएगी, तो मुझे एक ही लाइन ड्रॉ करनी है इसमें, चेक वेयर द टू लाइंस मीट, हियर
ओ डैश, ए डैश, अगेन साइज ऑफ द इमेज स्मॉलर, पोजीशन एफ और सी के बीच में आ गई, और नेचर क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। आप तीनों में से बेटा कोई भी दो रूल्स ऑप्ट कर लो, आपका जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी एब्सोल्युटली सेम। सो काइंडली ड्रॉ इट। जिनका हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया, पहले आपका गलत था, हाँ जी मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट, जिनका हो गया ट्राई एट सी, सी पे ट्राई करो, आई विल कम एंड चेक। हरी अप, यस चिल्ड्रन, एक मिनट बेटा आई एम कमिंग, मैं सबका आके चेक कर रही हूँ। श्रेया बच्चे एक मिनट, बेटा जी आपकी इमेज गलत है, इमेज आपकी बनेगी, आपकी इमेज ठीक नहीं बन रही बेटा, ये एफ से निकल गई, सी से निकली। श्रेया ये जो आपकी पैरेलल रे की रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस में से पास करो, वो फोकस में से पास नहीं हो रही, वो यहाँ से कहीं पास हो रही है, इट शुड पास फ्रॉम द फोकस, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए बेटा, फर्स्ट वाली जहां पे आपका डी पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे, वो वाली रे, ये फोकस में से पास होनी चाहिए, उसको ठीक करो, ये गलत है डायग्राम। हाँ ये वाली रे गलत है आपकी, उसको फोकस में से पास करो, फिर देखो, पास इट फ्रॉम द फोकस। रेस्ट ऑल, अक्षित, नंदिनी, मनराज, वेयर आर योर डायग्राम्स? हाँ जी नंदिनी शो मी, क्या बनाया आपने? फोकस में से पास हो रही है, ओके। देन सेकेंडली बेटा ये वाली रे कहां से जा रही है आपकी, ये जो नीचे स्लांट जा रही है, ए से लेके नीचे की तरफ जो जा रही है, जो पैरेलल आ रही है, जिसका एरो आपने पैरेलल बनाया हुआ है नीचे की तरफ, वो वाली रे कहां से जा रही है? ना तो वो सी में से पास कर रही है, ना वो फोकस में से पास कर रही है, ये वाली रे जो ऐसे जा रही है, मेरी रे देखो फोकस में से पास कर रही है, आपकी कहां से पास कर रही है, फोकस कहां है? फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, ये वाला पॉइंट फोकस होता है, ये गलत है डायग्राम आपका, चेक करो इसको। कभी भी आपने रे डायग्राम बनाना है, फर्स्टली नोट डाउन, हाँ